हेलो फ्रेंड्स, तो इस वक्त मैं हूँ गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन पे और आज की जर्नी होने वाली है 20112 कोंकण कन्या एक्सप्रेस में, जो कि मडगांव से मुंबई तक चलती है। और आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं मडगांव से यानी गोवा से मुंबई तक का। तो पूरी जर्नी देखिएगा फ्रेंड्स, पूरी रेगुलर ट्रेन है, रोज की ट्रेन है, जो शाम को 6 बजे मडगांव से चलती है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई पहुंचाती है सुबह सुबह 5:40 में। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं। और ये मडगांव का कुछ ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा, ये है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये देखें, हम लोग इंटर हो रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको एग्जीक्यूटिव लाउंज मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको इसके अंदर का भी नज़ारा बता दूं और यहाँ पे आप आराम से ठहर सकते हैं मडगांव का। ये देखें तो फ्रेंड्स, ये अंदर जाएंगे आप तो ये फर्स्ट ऑरेंज वाली जो सीट है ये आपको 50 रुपीज़ में पड़ जाएगी, सेकेंड 100 और आगे 200। ये देखें, कुछ घंटों के लिए आप यहाँ पे समय बिता सकते हैं। और यहाँ पे आती हुई कौन सी गाड़ी है, बेंगलुरु करवर। काफ़ी बेहतरीन वाला नज़ारा है यार इस प्लेटफॉर्म का। देखें प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये है मडगांव रेलवे स्टेशन। देखें फ्रेंड्स, पूरा आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। दोस्तों यदि आपको गोवा घूमना है, वो भी साउथ गोवा में, कोलवा और जो कोलेलम बीच वगैरह जितने भी साउथ गोवा है, तो आप यहाँ पे उतर सकते हैं फ्रेंड्स। और यदि आपको नॉर्थ गोवा जाना है तो आप थिविम ऑप्शन है वहाँ पे उतर सकते हैं। वहाँ से आपको बागा कैलंगुट वगैरह जितने भी बीच हैं वो आपको नियर बाय पड़ने वाले हैं। प्रतीक्षालय ये भी काफ़ी शानदार है, यहाँ पर भी आप आराम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टॉयलेट लेडीज़ जेंट्स दोनों टॉयलेट मिल जाएगी आपको, काफ़ी बेहतरीन। आप यहाँ पे भी अंदर भी मैं आपको बता दूँ, ये देखें काफ़ी शानदार है यार। इधर भी आप आराम से फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। काफ़ी ग्रीनरी यार पूरे स्टेशन पे। देखें आप नारियल के पेड़ और ये मडगांव बहुत ही सुंदर। इधर आई लव गोवा दिख रहा है आपको। और इधर भी खाने पीने की चीज़ें, ये स्टॉल लगे हुए हैं बहुत सारे। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही देखें, यह है बेंजो रेल रेस्टोरेंट। इधर प्योर वेज और उधर नॉन वेज दोनों ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पास। अंदर से भी कुछ आपको बताऊं तो ये देखें, ऐसा कुछ ये आइटम मिल सकते हैं आपको यहाँ पे। आप देखें खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिल जाएगी आपको यहाँ पे, इडली बड़ा, मिर्ची बड़ा, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। रेट बिल्कुल रिजनेबल है यहाँ के। दोस्तों हमारी गाड़ी कोंकण कन्या सुपर फास्ट 5:45 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग रही है हमारी गाड़ी और 6 बजे ये प्रस्थान करेगी मुंबई के लिए। ये है कोंकण कन्या सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हमारे कोच में चलते हैं आज की जर्नी स्लीपर क्लास में। ये हमारा ऐसा कुछ कोच, ये देखें दोस्तों। तो फ्रेंड्स करेक्ट अपने टाइम पे 6:02 पे ये निकलती हुई मडगांव रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 का भी नज़ारा बताऊं और ये तेजस खड़ी हुई है यहाँ पे, जिसमें विस्टाडोम कोच भी लगा हुआ। देखें आप, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से मडगांव के लिए है ये मडगांव। बाय बाय मडगांव, गोवा फिर मिलेंगे। दोस्तों मुंबई के लिए काफ़ी शानदार गाड़ी इसलिए भी है क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में 5:40 में आपको पहुंचा देती है। पूरा दिन भर आप गोवा में आराम से जब घूम रहे हो, अगर 2-4 दिन का प्लान है तो शाम को आराम से बैठे और मुंबई सुबह सुबह पहुँचे। सुंदर रूट है यार ये कोंकण रेलवे का, बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी मिलने वाली है आपको। माजर ड्राइव एक्स
जंक्शन। वास्को के लिए लाइन चली गई। इस ट्रेन की बात करें तो 581 किलोमीटर की यात्रा करने में यह 11 घंटे 40 मिनट लगाती है, लेकिन हाँ यह है कि आप आराम से सोते सोते जाएंगे और सुबह सुबह आप मुंबई पहुंच जाएंगे। किराए की बात करें तो 435 रुपये लगा है मुझे मडगांव से लेके मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का स्लीपर क्लास का। दोस्तों तो आप आराम से जर्नी कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। आप देखें यार क्या नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही शानदार ब्रिज। अपने पहले स्टेशन पे, स्टेशन कितने खूबसूरत हैं। कोंकण रेलवे मतलब वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, देखें आप। दोस्तों आपको चाय, समोसे, वड़े पाव बेचते हुए दिख जाएंगे। ये देखें यार, रेलवे स्टेशन पे ही आपको ये शॉप मिलेगी। मडगांव से 46 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये आ चुके हम लोग थिविम में। यहाँ से हम लोग नॉर्थ गोवा के लिए जा सकते हैं, बागा बीच जा सकते हैं, कैलंगुट जा सकते हैं। तो यदि कभी आने का प्लान हो रहा है तो यहाँ उतरिए, और मडगांव के लिए मैंने आपको बताया है साउथ गोवा में, तो यहीं से उतर के सभी लोग बागा जाते हैं।
बहुत ही नियर बाय में पड़ता है। टिफिन में थोड़ी गाड़ी भर गई हमारी और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत शानदार शानदार है यहाँ पे, सैंडविच भी आ चुका है। इस ट्रेन की हाइट की बात करें फ्रेंड्स तो लगभग 17 स्टेशनों पे हॉल्ट लेती है और सावंतवाड़ी, राजपुर रोड, रत्नागिरी होते हुए चिपलून से आगे हम लोगों को दादर होते हुए CST पहुंचाती है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉप है दोस्तों इस गाड़ी के। यह है गोवा का लास्ट स्टेशन पंडिम, जिसको पार कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग महाराष्ट्र की बॉर्डर में लगेंगे। कणकवली में भी अच्छी खासी भीड़ चढ़ गई है, देखें आप ये नज़ारा। फ्रेंड्स ये थाने आते हुए थाने 5:38 पे थाने से निकलती हुई, लगभग 55 मिनट लेट हो गई है गाड़ी यहाँ पे। दादर दादर टर्मिनल छः बज के 7 मिनट पे दोस्तों दादर से निकलती हुई गाड़ी देखे फ्रेंड्स ये सीन। यहाँ पे हमें जो हमारी मेमू ट्रेन है EMU यही हमें आगे आगे ओवरटेक कर रही है। भाई साहब बिल्डिंग भी देख सकते हैं आप, क्या गगनचुंबी इमारतें हैं। वंदे भारत, वाओ।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। फाइनली फ्रेंड्स, अपने टाइम से 55 मिनट लेट 6:35 पे ही आ चुके हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराज मुंबई। तो दोस्तों, ओवरऑल फ्रेंड्स जर्नी की बात करें तो काफ़ी शानदार थी। मडगांव से शाम को ट्रेन है और सुबह सुबह अपने को मुंबई पहुंचा रही है। आराम से सोते सोते जाए, खाते पीते जाए, क्योंकि इसमें पेंट्री कार में बहुत अच्छी खाने पीने की चीज़ें हैं दोस्तों, हर आइटम मिलने वाला है आपको। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आपको जर्नी अच्छी लगी तो क्या करना, अपने को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।